अगर आप ये सोच रहे हैं संसार का कल्याण करना एनर्जी अनेक चीजों को शांत करेगी, लेकिन मोस्ट पावरफुल है स्वमान के संकल्प, मोस्ट पावरफुल है मैं उसको यही नाम दूंगा पावरफुल संकल्प। जैसे बाबा बहुत सुनाते मुरलियों में संकल्प करो, कल्प कल्प हमने माया को जीता है, बचा करते हैं सब कुछ चला जाए उसे नहीं जाने देंगे, संसार गाली दे कोई हमें छोड़ के चला जाए पवित्रता का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। यह शक्तिशाली संकल्प। एक माता की कहानी सुना दूं, एक मिनट में। पति ने घर से निकाल दिया, माताएं जानती हैं क्यों निकालते हैं, अपने घर चली गई, सेंटर पे जाने लगी, बच्चे बच्चे सबको भूल गई कुछ दिनों के लिए, अब निकाल ही दिया तो क्या करूं, सेवा करने लगी सेंटर में, बहन जी ने कहा जाओ मधुबन जाके यहाँ पांडव भवन सेवा करो, भेज दिया उसको, यहाँ सेवा में आ गई। अब बच्चे भी थे और पति, और जब पति को बच्चों को संभालना पड़ा खिलाना पड़ा, नानी याद आ गई, फोन किया कहाँ हो जल्दी आ जाओ, कहा मैं तो नहीं आऊंगी लेने आ जाओ, आ गया, कहा अंदर नहीं आऊंगा होटल में रहूंगा, बिल्कुल नहीं यहीं रहना पड़ेगा, बेचारा परवश था बहन जी के, रह गया, किसी से मिलाना नहीं मिलूंगा, फिर किसी को बहन ने आधा घंटा क्लास ले लिया, सब अच्छा हो गया। ऐसी माताएं कौन कौन है जो मोह छोड़ के पति को कहें जाओ मैं चली, है कोई दमदार माताएं यहाँ, मुश्किल काम है, कह भी हाय मेरे बच्चे इन्हें खिलाएगा कौन, भले पवित्रता छोड़ देती हूँ। ऐसी स्ट्रॉन्ग बहने महिलाएं संसार का कल्याण करेंगी, और जो मोह में है पवित्र नहीं रहने देता पति, क्या करें भाई जी, कितने आए होंगे मेरे पास इस बार, अभी तो सब आते हैं ना। मैंने कहा जो पवित्र बनने के लिए अपने जीवन साथी की परमिशन चाहती है वो उसका अगला कल्प तो पूरा हो गया, वो पवित्र नहीं रह सकती। पवित्रता के लिए अगर ताकत नहीं है अपने में, कोई साथ दे या ना दे, हमें तो ये महान धारणा अपनानी है भगवान की आज्ञा है, वही शक्तिशाली है। पसंद आई कहानी या नहीं?